हालेलुया, सब कुछ एमसी की। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम सब मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन है हमारी जिम्मेवारी भाग टू। जिस तरह दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 20 के 2वें वचन में लिखा है, तब राजा हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ अपना मुंह किया और इस तरह प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा को बताया था कि जो कैंसर उसे हुआ है वह उससे चंगा नहीं होगा, वह जीवित नहीं रहेगा बल्कि मर जाएगा, तो हिजकिय्याह ने रो रोकर प्रार्थना की और परमेश्वर को कहा कि देख, मैं तेरे साथ साथ चलता आया हूँ, मैं पाप से दूर रहा हूँ, पवित्रताई में चलता आया हूँ, वही काम किए जो तेरी दृष्टि में सही हैं। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को कबूल किया और उसको चंगा किया और उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया। आज लोग सोचते हैं कि रोने से प्रार्थना सुनी जाएगी, रोने से हिजकिय्याह की प्रार्थना नहीं सुनी गई। बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर को बताया कि वह सारी उम्र परमेश्वर के साथ साथ चलता आया है और परमेश्वर के कामों को करता आया है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रखा और इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया। हालेलुया। याद रखिए, आपके साथ कुछ रूहें जुड़ी हुई हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त रिश्तेदार जुड़े हैं। यदि आप अपनी गवाही को बनाकर रखोगे यह सोच कर कि मेरे साथ परमेश्वर का काम जुड़ा है, यदि मैं घटाऊँगा तो यह ये घटेगा, यदि बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, और जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे आपकी ज़िंदगी बढ़िया से बढ़िया होती जाएगी। आप और आपका परिवार कभी भी एक लेवल पर नहीं रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे और लेवल से अगले लेवल तक। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम अपने आप नहीं होगा, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को नहीं बल्कि आपको हथियार दिए हैं। अब वह आपको हथियार क्यों देगा यदि उसने आपसे कोई काम ही नहीं लेना? हमारे हथियार गोला बारूद तलवारें नहीं हैं, हमारे हथियार आत्मिक हैं, धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, सुसमाचार की तैयारी के जूते, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना में लोलीन रहना हमारे हथियार हैं। याद रखें, हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ी है। लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा, जिस तरह से हम लोगों को दिखाएंगे लोगों के लिए परमेश्वर उसी तरह का है। इसलिए मेरे प्रिय, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी जिंदगियां, अपनी गवाहियां बना कर रखें, बढ़िया रिकॉर्ड बना कर रखें और एक अच्छी तस्वीर परमेश्वर की लोगों को अपनी जिंदगियों से दिखाएँ। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमेन। ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि मैं एक अच्छा जीवन करूँगा, आपकी महिमा के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए जीऊँगा और आपकी अच्छी तस्वीर लोगों को अपने जीवन से दिखाऊँगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीषित करे, फलवंत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।